नाम हुआ आपका? गणपत कुमार। कहाँ घर पड़ता है आपका? समसा। समसा। आप रह कहाँ रहे थे? रह रहे थे लोहिया नगर बेगूसराय में। बेगूसराय रामजीवन पब्लिक स्कूल के ऊपरी फ्लोर। क्या घटना हुई है आपके साथ जो आज आप यहाँ पे आए हुए? आज से 2 महीना पहले वो सौरभ नाम के लड़का से बातचीत करती थी, जिसको हम रोकने के लिए उसको दबाव डाल रहे थे, और उसी बीच में 11 तारीख को हम बाहर से आए थे, वो अपने बहन के पास थी, वहाँ से आई और हमको देखी, बस वो कौवा के लेके भाग गई है, अभी तक पता नहीं चल रहा है कहाँ है नहीं। कितने तारीख को आपकी पत्नी आपको छोड़ करके चली गई? 11 तारीख को 12 बजे करीब। और आपको कैसे जानकारी हुआ कि हमारी पत्नी घर से चली गई? हम जब रूम पर आए तो रूम मालिक बोला कि मतलब आप जब गेट खोले तो सिला निकल गई है यहाँ से। और आपकी शादी को कितने दिन हुए थे? मेरे शादी को 6 साल हो गए। बेटा या फिर बेटी कोई है या फिर नहीं? एक बेटा है, उम्र उसका 5 साल है, इसका नाम है आपलव कुमार। तो वो भी पत्नी के साथ ही चला गया है या फिर आपके साथ है? नहीं, वो मेरी पत्नी के साथ है। तो आप जब लोहिया नगर में रह रहे थे तो लोहिया नगर थाना में जाके आपने आवेदन किया या फिर नहीं किया? आवेदन गए करने के लिए तो आवेदन नहीं लिया। क्या बोला? बोला ना कोठी जाइए, आपका जहाँ घर पड़ता है वहाँ जाइए। वहाँ पर भी गए तो ना कोठी थाना बोला कि जहाँ से लड़की भागी है वहाँ जाके कंप्लेन कीजिए। तो आप वरीय पुलिस अधीक्षक, जिनको कि लोग SP साहब भी कहते हैं, आप उनसे क्या गुहार लगाना चाहते हैं? उनसे हम गुहार लगाना चाहते हैं किसी तरह उसको ढूंढ लिया जहाँ भी हो। और आपने अपने सास ससुर को, अपने साली को इन्फॉर्म किया तो उन लोगों के द्वारा क्या प्रतिक्रिया मिली? वहाँ से बता रहा है कि मेरे पास नहीं है। तो उन लोगों के द्वारा भी खोजबीन की प्रक्रिया जारी की गई है या फिर नहीं? खोज रही है लेकिन नहीं पता चल रहा। तो आपको किन पर शक है? हमको शक है कि सौरभ ही उसको लेके गया है। आप उसको कभी देखे हैं लड़के को या फिर नहीं? हाँ देखे हैं उसको, रूम के बगल में ही रहता था वो। वो क्या करता है? वो फ्लिपकार्ट में अभी काम कर रहा था, पहले पढ़ता था वो भी।